गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के 11:30 बज चुके हैं और कल आईपीएल फाइनल थी, तो मैंने रील्स वगैरह एडिट करने को बहुत टाइम लगा। तो सुबह 5 बजे सोया मैं, तो आज अभी 11:30 बजे उठा हूँ, थोड़ा फ्रेश हुआ और अभी दूध ख़त्म हो गया था घर का, तो दूध लाने जा रहा हूँ। तो चलो गाइस देखते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनी है मैंने। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रथमेश स्टार पे व्लॉग्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो गाइस मिलते हैं, अभी दूध लेने जाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस देखो, अभी दूध ला लिया है घर पे, अभी यहाँ बैठा हूँ। 11:30 बज चुके हैं, कल की मैच ही याद आ रही है, मतलब लास्ट बॉल तक मैच हुई, बहुत तगड़ी मैच हुई। अगर आपको मैच ब्लॉग देखना है जो मैंने कल डाला, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। तो चलो गाइस आज देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों अभी ऊपर जाता हूँ, मतलब टेरेस पर जाता हूँ, देखते हैं क्या। अभी 6 बज चुके हैं, आप धूप तो देख ही सकते हो गाइस, बहुत तगड़ी धूप अभी भी है। तो चलो ऊपर जाते हैं, देखते हैं सनसेट हो रहा है धीरे धीरे धीरे, देखते ऊपर भैया लोग क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलो। सो गाइस देखो, सनसेट होने में और आधा पौन घंटा लगेगा, क्योंकि अभी 6 बज चुके हैं। 7 बजे तक सनसेट होता है अमरावती में, अब क्या कब होता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी समर है तो जल्दी जल्दी नहीं होता है। 7:15 बजे तक दिन रहता है अमरावती में। देखो बच्चे निकल चुके हैं खेलने के लिए, अब मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ साइकिल फिलिंग करने जाओ कि थोड़ा काम है बाहर, देखता हूँ। तो चलो गाइस अभी यहाँ स्टेयर्स पे बैठा हूँ, थोड़ा सा घूम लिया मैंने और घूमता हूँ थोड़ा सा टेरेस पे, और अभी स्टेयर्स पे बैठा हूँ। अच्छा लगता है यहाँ बैठे बैठे, और सामने जो सनसेट हो रहा है थोड़ा सा नेट में से देखने में अच्छा लगता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिखता है, आँख पे भी नहीं आती है धूप, तो ऐसे बैठ के एक साइलेंट सॉन्ग लगा दिया साइड में, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बैठता हूँ, अभी कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है घर पे। तो ऊपर घूमने में भी मज़ा आता है अच्छे से, क्योंकि इस बार कुछ अलग हो रहा है, मतलब 6 बजे तक ना धूप एकदम, मतलब ऐसी क्या बोल सकते हैं उसमें, शायद दिख नहीं रहा था, हाँ धूप मतलब ज़्यादा ऐसे चटके नहीं लगते। पिछले साल क्या होता था 6 बजे भी चटके लगते थे धूप के, अभी देखो अब धूप तो है, देखो आप गाइस सन तो अभी भी है, अभी सनसेट हो रहा है लेकिन चटके नहीं लग रहा है अभी, तो अच्छा है, मतलब एक जेंटल फीलिंग आती है और घूमने की फीलिंग आती है। तो चलो मैं थोड़ा और घूमता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आज थोड़ा बाहर भी जाना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है, देखते हैं, पापा से बात करता हूँ। और बहुत जनों के कमेंट आ रहे थे कि आपके फैमिली मेम्बर्स का आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया। हाँ अभी कल ही दादाजी को डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से, तो अभी सब थोड़े जो बचे काम थे वो सब बिजी है वो काम करने में, क्योंकि अभी तक जो बड़े लोग घर के थे वो सब दादाजी के मतलब हॉस्पिटल के काम में बिज़ी थे। तो हाँ जैसे ही 2-3 दिन में फ्री होते हैं तो सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ और उन सबको मैं व्लॉग में लेता हूँ। तो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी थोड़ा थोड़ा उजाला है, बाकी सब तो अंधेरा हो चुका है। और आज अभी मैं जा रहा हूँ, जो हमारे पुराने कपड़े थे मम्मी ने अलमारी खाली कर दी थी आज, जो पुराने कपड़े जो हो नहीं रहे या फिर साइज़ का इश्यू आ रहा है, तो उन्हें हमने इस ऐसे बोरे में भर दिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे पास में ही एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके पास, तो वो जो कपड़े जो साइज़ इशू आ रहा है उनको डोनेट कर देते हैं, ताकि जो भी मतलब नीडी पीपल है, जो भी गरजू लोग हैं उन तक वो कपड़े पहुंच जाए। तो चलो गाइस देखते हैं, अभी चैरिटेबल ट्रस्ट में जाते हैं और कपड़े डोनेट करके आते हैं। तो गाइस देखो, इतनी कुछ बोरी कपड़े से भर चुकी है। ये देखो मेरा पैंट, अच्छा पैंट था लेकिन थोड़ा साइज़ इशू आ रहा है, इसकी वजह से फिर फेंकने से अच्छा है कि उसे डोनेट कर देते हैं। और देखो घर पे कोई नहीं है, मम्मी तो अभी आरती के लिए गई मंदिर में। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको आगे क्या क्या होता है, और तो और चाबी भी देनी है मम्मी को। तो चलो
चैरिटेबल ट्रस्ट में रविदास बाबा, तो यही सब हो जाता है। बहुत बड़ा है गाइस, देख लो, कवर नगर में है ये। अभी मैं चैरिटेबल ट्रस्ट से घर आ चुका था, मतलब जो कपड़े देने गया था ना मैं नीडी पीपल्स के लिए, तो वो देख के आ चुका हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट से। और उन्होंने कहा कि 1 तारीख को उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1 जून को, तो आप आ सकते हैं देखने कि सही में हम दे रहे कि नहीं दे रहे। लेकिन मैं तो हर बार वही देता हूँ, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो देते ही है। तो उन्होंने कहा अगर आपको आना है तो आप 1 तारीख को आ सकते हैं, खुद के हाथ से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी जाना होता है कि नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं जाऊँगा क्योंकि पूरा भरोसा है, तो क्या करते हैं। तो दोस्तों अभी 11:30 बज चुके हैं और मैंने खाना वगैरह सब खा लिया, थोड़ा सा बैडमिंटन खेलने भी गया था, लेकिन आज शूट नहीं किया क्योंकि मोबाइल में 2% चार्जिंग थी, तो मुझे एडिटिंग के लिए भी लगने वाला था मोबाइल, तो इसीलिए मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था स्विच ऑफ करके। तो अभी चार्जिंग भी हो गया और 11:30 बज चुके हैं। तो अभी गाइस आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ क्योंकि अभी एडिटिंग करने बैठूँगा तो 1-1.5 घंटा एडिटिंग में चला जाएगा, 1 आराम से बच जाएंगे। फिर सुबह भी उठना है, थोड़ी साइकिलिंग करता, थोड़े हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ, तो सुबह भी उठूँगा साइकिलिंग करने के लिए। तो इसके लिए 1 बजे मैक्स टू मैक्स तो सोना पड़ेगा, कल तो 5 बजे सोया क्योंकि IPL थी, वो देखना ज़रूरी था क्योंकि हर मैच देखी थी, तो फाइनल भी देखना बहुत ज़रूरी था, बहुत लाजमी था, तो वो सब कर लिया। तो आज नहीं गया साइकिलिंग करने, शाम को गया था। तो चलो गाइज अभी फिर 1 बजे सोऊंगा, अभी देखते हैं कि एडिटिंग को ज़्यादा टाइम लगता है कि क्या। तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, गुड बाय।